हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट के मोस्ट ऑफ द जो डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसका आंसर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आए। यहां पर उन्होंने मेंशन किया अपना कंसर्न कि इटली में, स्पेशली इटली में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यूनिवर्सिटी अलाउ करती हैं आपको एनरोल करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर MOI, तो फिर भी क्या IELTS PTE या फिर TOEFL देना बेनिफिशियल रहता है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि यस, इट इज़ ट्रू कि इटली में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसी मिल जाती हैं, यहाँ पर आप अपना बैचलर्स और मास्टर्स के लिए विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के भी, अगर आपका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है, तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ MOI या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको या तो अपने स्कूल से जहाँ से आपने 12th किया है, या फिर आपको अपने कॉलेज से यहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, मिल जाता है। लेकिन फिर भी आई रिकमेंड कि आप वहाँ पर अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम देके जाएं और एटलीस्ट उसमें B2 प्रोफिशिएंसी अचीव करें। ये सर्टिफिकेट आपको काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में हेल्प करने वाला है। यहाँ पे साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रखती हैं, जैसे कि सापियांजा यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ बलुगना हो गया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना हो गया। फ्रेंड्स, इन यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज में आपका इंटरव्यू के बेसिस पे भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप अपना IELTS या फिर TOEFL या फिर आप PTE यहाँ पर अपना सबमिट करते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल है वो है IELTS, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं, वो ओपन हो जाते हैं, तो आप मल्टीपल जगह पे अपने एप्लीकेशंस कर सकते हैं। साथ में जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर कई सारी ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, जैसे कि इंग्लिश ट्यूटर की जॉब हो गई, तो अगर आपके पास वहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट भी मिलता है ऑन एन आर बेसिस। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है कि अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ जाते हैं अपना इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करते हैं। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट इनटेक के लिए प्लान कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप अभी भी कर सकते हैं। अभी आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना एग्ज़ाम देते हैं विदिन 1 month, तो उसके नेक्स्ट 15 days में आपके पास रिजल्ट आ जाता है, और वो आप अपना एप्लीकेशन के साथ भी लगा सकते हैं, या आप इनिशियली अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर MOI, और जब आपको आपका IELTS मिल जाता है, तो वो आप अपने फर्दर एप्लीकेशन में अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में भी एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेप्टेम्बर 2024 के लिए इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो इटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू, और आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। आपको अगर डाउट है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, या फर्दर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होने वाला है, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, आप मेरिडियन ओवरसीज़ को अप्रोच कर सकते हैं अपनी इन सारी क्वेरीज़ के रिजोल्यूशन के लिए। साथ ही आप हमारी किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आपको प्रोवाइड करते हैं AI इनेबल्ड स्टूडेंट पोर्टल, यहाँ से आइए, आपके आगे फर्दर एप्लीकेशन जर्नी को और ज़्यादा स्मूथ बना देता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।